हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियर के पिघलने से भूस्खलन और पहाड़ दरकने की घटनाएं हो रही हैं, जिसके कारण हर वर्ष जानमाल का नुकसान हो रहा है। ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं और जलवायु में परिवर्तन के क्या कारण हैं, कैसे हिमालय में हो रहे इन परिवर्तन को रोकना है, इसको लेकर शिमला में GIZ के सहयोग से साइंस पर्यावरण और प्रौद्योगिकी विभाग की 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन करवाई जा रही है, जिसमें हिमालयन रेंज के वैज्ञानिक शिमला में मंथन करेंगे और आगामी रूपरेखा तैयार करेंगे। सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। जर्मन अम्बेसडर भी सम्मेलन में मुख्य रूप से शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सम्मेलन में जो भी सुझाव आएंगे सरकार उस ओर आगे बढ़ेगी, क्योंकि ग्लेशियर के पिघलने से सभी चीजों पर प्रभाव पड़ रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ये वर्कशॉप यहाँ पर आयोजित की गई है और मुझे इस बात की खुशी है कि जर्मन एम्बेसडर विशेष रूप से इस कार्यक्रम में हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो हिमालयन रेंज में जो ग्लेशियर जो पिघलते जा रहे हैं उनका आकार छोटा होता जा रहा है और उसका इम्पैक्ट जो है बाकी सारी चीज़ों पर आ रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट आ रहा है उसके कारण ये स्थिति बनी हुई है। तो इसलिए मैं आप सबके बीच में इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस वर्कशॉप के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण सुझाव यहाँ पर आए हैं, उन सुझावों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, क्या बेहतर कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करेंगे। सर कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? एक्शन प्लान हमने हिमाचल की तरफ से रिलीज किया है और मुझे लगता है कि वो बड़ा यूजफुल रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सर क्लाइमेट चेंज पर एक स्क्रैपिंग पॉलिसी आई थी, हिमाचल प्रदेश ने उस पॉलिसी पर कितना काम किया है, वो प्राइवेट और कमर्शियल? हाँ, तो उस पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। प्लीज। वहीं सम्मेलन में पहुंचे जर्मन अम्बेसडर वॉल्टर जे लिंडर और लद्दाख से स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट के फाउंडिंग डायरेक्टर सोनम वांगचुक ने भी जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियर के पिघलने के कारणों पर अपने सुझाव दिए और इस सम्मेलन को काफी अहम करार दिया। सोनम वांगचुक ने कहा कि आज जलवायु परिवर्तन के कारण आ रही आपदाओं व हो रही बीमारियों से सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं, जिसे विश्व को मिलकर रोकने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि गाड़ियों उद्योगों से लाखों लोगों की मौत हो रही है, जलवायु परिवर्तन के कारण बारिशें ज्यादा हो रही हैं, इसलिए ऐसे पौधों को लगाने की जरूरत है जो जल को अवशोषित कर सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणाली को बदलने की जरूरत है ताकि आवश्यकता के समय किसे क्या भूमिका निभानी है ये पता हो। मैं ये कह रहा था कि जो हमारे धर्म हैं, दुनिया के सभी धर्म अहिंसा की बात करते हैं, मगर जिस तरह की हिंसा होती थी 1000 साल पहले जिसके लिए धर्म बने थे, वो हिंसा आज होती ही नहीं है। आप सर्च कीजिए कॉजेज ऑफ डेथ, शुरा बंदूक का जो डेथ है वो 26वें नंबर पे है, पहला दूसरा तीसरा है जलवायु से, लाइफस्टाइल से, जीवन शैली ही हमारी हिंसक बन गई है। आज हमारे गाड़ियों और इंडस्ट्री के कारण 70 लाख से करोड़ लोग मर रहे हैं, जो कि पहली और दूसरी जंग के बराबर है। तो हिंसा इस तरह से हो रही है, आज हिंसा हमारे कारों से हो रही है, हवाई जहाजों से हो रही है। तो हमें अपने जीवन शैली को बदलने की जरूरत है और हमारे धार्मिक गुरुओं को इन बातों को धर्म के अंदर लेने की जरूरत है जो आज की चुनौती है। अगर हम 1000 साल पहले की बातों को ही बताते रहे तो लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे, हमारे मस्जिदों में मंदिरों में आने वाले पीढ़ी के लोग नहीं आएंगे, क्योंकि समस्या कुछ और है और बात कुछ और। तो जलवायु, प्रकृति, इन सब बातों पे हमारे मजहबों को भी बोलने की जरूरत है। सर ग्लासगो में COP26 हुआ था, कार्बन क्रेडिट पर भी बात हुई, क्लाइमेट चेंज पर भी बात हुई, आप कितना रोल मानते हैं कार्बन क्रेडिट पे? मैं तो ये सोचता हूँ कि जो जिम्मेदार हैं इनको प्रदूषण फैलाने के, उनको पे करना चाहिए, वो चाहे वो कार्बन क्रेडिट से करें या ग्रांट से करें, मगर जो हिमाचल के लोग हैं या लद्दाख के लोग हैं, जो बाढ़ों को जूझ रहे हैं बाढ़ों से, उनका ये नहीं है गलती, तो जिनकी गलती है उनको पैसे भी देने चाहिए। workshop or how you call it, which
isn't based really on long speeches, but rather on the exchange of views and of ideas of experts. So without further ado, I want to thank all the organizers for having organized this. I want to thank you as audience and participants in this conference for your interest and for your enthusiasm for saving the planet. And I wish you a very successful 2 days. Let's make this world a better place. Without India, we can't do it because every fifth person on this planet is Indian. So we have to do this together. Thank you very much.